हेलो डियर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वॉट ट्रिपल एसेंडी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की थ्री कार्ड क्लेरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो रीडिंग 17 से लेकर 24 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, देखेंगे कि कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, और इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये रिश्ता कैप्रिकॉन की वजह से ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा नहीं पा रहे हैं। काफी वो फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब है, यानी कि वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर स्टेप बाय स्टेप करके एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को अगर वो उठाते हैं तो अभी भी ये रिश्ता सही हो सकता है जो उन्हें बर्डन और बोझ लग रहा है। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए, अपने यानी कि कैप्रिकॉन के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो अपने जो आपके पार्टनर हैं आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हायरोफंट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, हीलिंग मेडिटेशन की जाती है। तो क्योंकि ये रिश्ता एक आत्मिक रिश्ता है, एक सोलमेट रिश्ता है, एक दूसरे से प्यार और प्रेम है। जब से ये रिश्ता बना है जो आपके पर्सन है वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते से कभी दूर हो ही नहीं पाए हैं, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आगे जाकर वो आपसे शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप चाहें तो एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को अगर स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेकर इस इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, तो अभी भी जो ये रिश्ता आपको बर्डन और बोझ लग रहा है वही रिश्ता आगे जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, और सही समय आने पर फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें और इस रिश्ते में नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगते हुए बिगनिंग और शुरुआत करें, इसको हील करें, मेडिटेट करें, किसी सुपीरियर की, किसी ऐसे जानकार की मदद लें जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, चलिए देखते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देते हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, या फिर इस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं कि वो आगे कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे जो पहले की है, तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं और काफी स्ट्रांग और मजबूत ये रिश्ता बनाया जा सकता है। तो ऐसा या तो आप अपने पर्सन के बारे में फील कर रहे हैं, या तो फिर आप जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड साइड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स।
कैप्रिकॉन, जो आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो आंखों पर पट्टियां बांधी हुई है, ये खुद की बनाई हुई दीवार है। अगर क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, अगर इस ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, इससे बाहर आने की अगर कोशिश की जाती है, तो धीरे धीरे करके दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लिया जाता है, दिमाग से ना सोचकर दिल से भी काम लिया जाता है, यानी दिल और दिमाग दोनों से काम लिया जाता है, ट्रूथ के साथ, सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाता है, किसी की मदद ली जाती है। तो धीरे धीरे करके जो बातें, जो वाद विवाद है या एंजाइटी स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, तो या तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें की जा सकती हैं, या फिर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके इन इन परेशानियों से बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि जो ये बंधन है इतना भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो ऐसा जो है वो आपसे, आपके लिए, फिर अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, और उनको लगता है कि अगर वो धीरे धीरे करके जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही है, तो अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी तैयार होंगे कि आगे वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार है, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ आ सकती हैं, फ्रूटफुल और कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कैप्रिकॉन, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत प्यार है, प्रेम है, गहरे वाला प्यार है, इसमें नो डाउट, नो कोई भी इसमें शक नहीं है, लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें कुछ लस्ट और एडिक्शन भी है। तो वो चाहते हैं कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए, डिसीजन लेने में उन्हें थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, क्लियरिटी के साथ एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, ताकि जो कंफ्यूजन, जो परेशानी, जो दिक्कत है, वो खत्म हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं ताला वर्स को। तो हमारे पास कार्ड साइड 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, प्यार से, प्रेम से, अगर मिठास के साथ इंसानों को यूज ना करते हुए, चीजों को अगर यूज करते हैं और उनकी तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, तो उनकी जो, और समय रहते इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेते हैं, इधर उधर नहीं भटकते, समय के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो वो उन जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, उन्हें इस उनकी जो है दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो ऐसा वो इस रिश्ते के बारे में आपसे चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, या प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे, इसमें क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, तो आप महसूस करते हैं कि या तो आपके पार्टनर लड़ाकू टाइप के इंसान है, या फिर मतलब कोई ऐसी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई कुछ पीठ पीछे ऐसा कर रही है जो उनको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो दे रहा है, जिस वजह से वो चाह कर भी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें ईगो, इसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो आपसे, कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो आपकी भावनाओं के साथ ना खेले, कोई छल फरेब ना करें किसी थर्ड पार्टी, या अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उसे इस से बाहर निकाल करें और उन्हें प्यार से, प्रेम से पेश आए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड साइड 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स
एंड द वर्ल्ड। तो कैप्रिकॉन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो, क्योंकि अभी उनकी ईगो, हालांकि वो बिना इमोशंस में बहे, यूनिवर्स जो नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो अगर वो एक एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, जो रिश्ता अधर में लटका हुआ है, जो ना तो डाइवोर्स की तरफ जा रहा है, ना ही नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ जा रहा है, तो अगर इसमें उनकी ईगो हर्ट नहीं होगी, अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे जो उनके पार्टनर हैं, तो धीरे धीरे करके एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जा सकता है, और फिर से सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करेंगे, कब ईगो, अपनी ईगो को छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाती है तो इंसान, अगर आप आपके पास आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी ईगो जीत भी जाती है तो उनकी इंसानियत हार जाएगी, तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो अपनी ईगो को छोड़ दें या फिर उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें, ताकि इसमें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सके, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, वो जो है काफ़ी खुशी देने वाली होगी, जो अबंडेंस देगी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें देगी। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, आउटकम देख लेते हैं कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। कोई ट्रूथ, कोई सच बाहर आ आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन कोई ट्रूथ, कोई सच, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री सामने आ रही है, जो जिससे वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और नए सिरे से फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। तो ऐसा ये जो है इसका आउटकम बता रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सच सामने आ रहा है, और फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ रही हैं। तो एट ऑफ पेंटिकल्स, फील ऑफ फॉर्चून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम जो है काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको मैं इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और जो भी इस रिश्ते में जो लस्ट हैं, जो एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली जो भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, उस चीज़ों को उस समय को यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें अपने एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो सच, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं, तो ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से इसमें कामयाबी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो इसमें सच्चाई, जो चीज़ें परेशान कर रही थी, तकलीफें दे रही थी, तो वहाँ वो चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं, क्लियरिटी आती दिखाई दे रही है, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो जितना एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, जितना मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉन पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस एंड टू ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप चुप रहिए, खामोश रहिए, साइलेंस रहिए, अपनी विस्डम, नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, और जब आपको लगे कि क्योंकि इसमें कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी भी हो सकता है, तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं
कि समझदारी के साथ इसमें जब आपको लगे कि आप हीलिंग मेडिटेशन कर चुके हैं तो धीरे धीरे करके इसमें समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। इतना रूड ना बनिए, इतना सख्त ना बनिए। भले ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके एक्शन लेते हैं और एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि जो भी गलती जिसने भी की है वो उसको माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। सोलमेट का काइंड ऑफ कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ बन सकता है, यानी कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी ये बन सकता है और खुशियाँ ही खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।